मेरे पास बिहार के कक्षा 9 के छात्र प्रिंस कुमार का प्रश्न है और वो लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम बिहार. आई वॉज स्टडिंग अबाउट एक्शन रिएक्शन फोर्स. आई हैव डाउट सर, हाउ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एक्शन रिएक्शन पेयर. इफ ईच ऑब्जेक्ट अप्लाइज equal and opposite force on the other, the net force is zero. So how acceleration can be produced by such a pair? ये प्रश्न जो कि न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, एक्शन रिएक्शन पेयर, कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं तो वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, अपोजिट होते हैं डायरेक्शंस में. तो नेट फोर्स जीरो है और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है, ऐसा लगता है. तो फिर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? तो प्रिंस कुमार, आप पहले तो ये देखिए कि आप किसका एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं. दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो आप पहले वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखना चाह रहे हैं या आप दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखना चाह रहे हैं या दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन देखना चाह रहे हैं? अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन देखना चाह रहे तो दोनों अगर हमेशा एक दूसरे के साथ सटे रहें, ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, तब तो उनका एक ही एक्सेलरेशन होगा और आप बोल सकते हैं कि ये इसका एक्सेलरेशन है. लेकिन दोनों अगर अलग अलग दिशाओं में चल दें, अलग अलग स्पीड से चल दें, स्पीड अलग अलग ढंग से बदले दोनों की, तो कंबाइंड दोनों ऑब्जेक्ट्स का मिला करके एक्सेलरेशन, ये तो फिर मीनिंगफुल क्वांटिटी ही नहीं रह जाएगी. आपको एक मैं उदाहरण से चलता हूँ. आप सबसे पहले सोचें कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक Q1 चार्ज यहाँ है और एक Q2 चार्ज यहाँ है, और ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं. यहाँ भी Q1 Q2 बटा 4π ε₀ r² लग रहा है और यहाँ भी इस पर भी Q1 Q2 बाई 4π ε₀ r² ही लग रहा है. डायरेक्शंस दोनों के अपोजिट हैं. लेकिन अब ये जो फोर्स है जो Q2 पर लग रहा है उसके कारण से Q2 में एक्सेलरेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है. Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण से Q1 में एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. इन दोनों फोर्सेज को अगर आप जोड़ देंगे तो वो जीरो होगा. लेकिन वो किस पर लग रहा है, किसका एक्सेलरेशन देखना है? अगर इसका देखना है तो वो दोनों इस पर नहीं लग रहे, एक ही लग रहा है. अगर इसका देखना है तो दोनों इस पर नहीं लग रहे, एक ही लग रहा है. और दोनों एक का एक्सेलरेशन कैसे देखें? इसका एक्सेलरेशन कुछ और है, इसका इसका मास कुछ और हो सकता है, इसका मास कुछ और हो सकता है, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ दूसरा हो सकता है, ये दोनों अलग अलग. तो दोनों का मिला करके एक्सेलरेशन का भी कोई मतलब नहीं है. इन दोनों a1 + a2 और ये सब भी करने का कोई मतलब नहीं है. तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है न्यूटन के तीसरे नियम में, एक्शन रिएक्शन में. हाँ, अगर ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहें तो यस, तब जरूर. अगर जैसे आप कहते हैं ना, टेबल के ऊपर किताब रखी है, तो ये जो किताब है ये इसको कुछ फोर्स से नीचे दबाती है, ये उसको कुछ फोर्स से ऊपर दबाती है, तो फिर वैसी हालत में आप ज़रूर कह सकते हो कि हाँ भाई, ये दोनों का मिलके नेट, टेबल और ये किताब का मिला के सिस्टम करूं मैं, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसके कारण कोई एक्सेलरेशन है क्या, नीचे से और कोई फोर्सेस हैं क्या, वगैरह वगैरह आप बातें कर सकते हो. लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप बात ही नहीं कर सकते एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. ओके.